बाप खड़े होकर पेशाब कर रहा था नाली में, बाप खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, जवान बेटा देख लिया, बोला आप बात की करें जी को। अरे इमाम साहब मना करते हैं खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, ये आप क्या कर रहे हैं? बोलो तू मौलवी चक्रों पर गलो जो साइंस तरक्की कर रही है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तुम मौलवी के चक्कर में हो। तो बेटा बोला ना ना करो करो, बाप पेशाब कर लिया, घर आया तो बेटा सीढ़ी लगाया, छत में सीढ़ी लगाया। तो बाप बोला कि कहे सीढ़ी लगा रहे रे? बोला देखिए ना हम कहे सीढ़ी लगाए। अब बेटा सीढ़ी में चढ़ गया और सीढ़ी में चढ़कर पेशाब करने लगा आंगन में। तो बाप बोला ये क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा? बोला अब बा यहां तो तरक्की छ गई, आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आपका हम बेटा, आपका हम बेटा है, हम सीढ़ी लगाकर पेशाब कर रहे हैं, यही तो तरक्की है। मेरे नौजवान अपने हुलिया को बदलो, अपनी शक्ल को बदलो, अपने लिबास को बदलो, पहचानो तो सही, मौत तो सामने खड़ी है। कोई बता सकता था ये ट्रेन हादसा में कितने नौजवान चले गए, कितने बच्चों की और उन लाशों की क्या दुर्गत हुई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। व्हाट्सएप फेसबुक पर आप लोगों ने देखा होगा, यूं लाश को लोग वहां के पकड़ते थे, यूं फेंकता था। अरे ये मरने वाला इंसान है भाई, वो चाहे किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो लेकिन वो इंसान है। एक जनाजा जा रहा था काफिर का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, तो अल्लाह के रसूल बैठे बैठे खड़े हो गए, इस्तकबाल में खड़े हो गए। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये काफिर का जनाजा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जनाजा किसी का हो काफिर का ही क्यों ना हो, आखिर वो इंसान तो है। अगर आखिर वो इंसान तो है, वो इंसान तो है, इसलिए मेरे नौजवानों मेरे बच्चों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारोगे, हाथ उठा इंशाल्लाह। वाह भाई वाह, ये अल्लाह हमारे नौजवान हमारा बच्चा ये अल्लाह गफलत की जिंदगी जी रहा है, भटक गया है, ये अल्लाह शैतान ने बहका दिया है, ये अल्लाह हमारे बच्चों ने आज वादा किया है, हाथों को उठाया है कि हम सही जिंदगी अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, ये अल्लाह हमारे बच्चों के दिलों को फेर दे, अच्छी जिंदगी गुजारने वाला बंदा बना ले, ये अल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारने वाला नेक बंदा बना दे, हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखा दे, सही रास्ता चला दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, ये पैगाम ये बात आ गई थी और मुझे कहा गया था कि हजरत थोड़ा सा इस पर गुफ्तगु कर लेनी है नशा के ऊपर में, अभी नशा बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, हमारा नौजवान हमारा बच्चा बहुत भाग गया है, जो नशे की तरफ दौड़ दौड़ कर हमारा बच्चा भागा भागा चला जा रहा है। तो मेरे बच्चों नशे से तौबा करो, ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारो और चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, चेहरे को दाढ़ी। इस जलसे में बहुत सारा नौजवान है, हमारा बच्चा अभी देखिए बैठा है, सर पे टोपी नहीं, ये अफसोस है कि नहीं भाई? ये दीनी मजलिस है, अब दीनी मजलिस में बैठे हो, तुम्हारे सर पे टोपी तक नहीं, जबकि टोपी पहनना नबी की सुन्नत है। भूल हो गई है मेरे बच्चों, आइंदा से ख्याल रखना, टोपी पहनो, अपनी पहचान, जाओ लखनऊ, लखनऊ दिल्ली कानपुर बंबई कलकत्ता जाओ ना, देखो ना हैंडसम हैंडसम लड़का, खूबसूरत लड़का, ब्यूटीफुल सब लड़का, कॉलेज के लड़के सब, अल्लाह अकबर कबीरा, मुसलमान का बच्चा, सब वो टी शर्ट पैंट शर्ट पहना है जरूर लेकिन सर पे टोपी लगी रहती, हर बच्चे बच्चा बच्चा नौजवान नौजवानों के सर पे टोपी लगी रहती। अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता के, हिंदुस्तान में 3 अपोलो हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल अपोलो, बंबई चेन्नई कोलकाता, अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, डॉक्टर आफताब खान, महीना में 3 दिन अमेरिका रहता है, हर महीना 3 दिन अमेरिका रहता है, और मालूम है 3 दिन अमेरिका रहता है, हर महीना 3 दिन लगाता है वो जमात में, बंधा हुआ है, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ऑपरेशन करने के लिए अमेरिका जाता है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मेरी मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनके चेंबर पे गया, वो बड़ा खुश हुए, बड़े खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इमाम साहब हैं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब
आप डॉक्टर साहब इस लाइन में होकर के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दीन से जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके चेहरे को देखा मेरा दिल बाग बाग हो गया। बोला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तालिबी इल्मी के जमाने से मेरी दाढ़ी है, सुभान अल्लाह। बोला मैं जब इंग्लैंड में पढ़ता था उस वक्त भी मेरी दाढ़ी थी, आज तक मैंने दाढ़ी में अस्तूरा नहीं लगाया, इतनी बड़ी दाढ़ी। 30 साल का हट्टा कट्ठा नौजवान, खूबसूरत लड़का, डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर। मेरे बच्चों अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ। तुम क्या चाहते हो कि हशर के मैदान में जब तुम उठाए जाओगे, अल्लाह के रसूल के सामने जब तुम खड़े किए जाओगे, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी? शिफात कैसे मिलेगी? इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे। देखिए दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। अच्छा औरत के चेहरे पे दाढ़ी निकली, देखे इधर औरतों के चेहरा में दाढ़ी चिका क्यों? ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, लेकिन ये बुधवा चलाया था नाई किया, बोला जल्दी चीला खुजलावे जिगा। ये दाढ़ी कहती है अरे नहीं तुम मर्द हो, हमको मत छीलो, तुम मर्द हो। ये दाढ़ी को बोलता नहीं नहीं हम मर्द नहीं जिगा, हमें वहा छीलो। इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे, कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह नौजवानों मेरे बच्चों के दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। ये अल्लाह हमारे बच्चों के चेहरों को दाढ़ी से सजा दे, ये अल्लाह नबी की सुन्नत से सजा दे, ये अल्लाह नबी की सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। ये हमारा बच्चा नादान है, ये भूला हुआ है, ये अल्लाह भटक गया है, शैतान ने बरगला दिया है, ये अल्लाह ये हमारा बच्चा लेकिन दिल बड़ा अच्छा है, ये अल्लाह हमारे बच्चे ये जलसे में आए हैं, ये हाथों को उठाया है, ये अल्लाह कबूलियत की घड़ी है, तेरी बारगाह में दुआ है कि ये अल्लाह इनकी जिंदगी को बदल दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है बहुत तेजी के साथ मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारियों में से जो सबसे पहली तैयारी है वो नमाज है। वो क्या है बोलिए भाई? अरे भाई बोलो भाई क्या है? नमाज। अभी रात भर जलसा सुन रहे हैं आप, जलसा खत्म हो जाएगा घर जाएंगे? भाई घर नहीं जाएंगे, क्या कीजिए घर में जाके की करो नहीं? घर में जाकर ये जो टाइम फजर का वक्त अब हो रहा है यार, इंशाल्लाह फजर का वक्त हो ही जाएगा। आप जब तक दुआ होगी, 1 बज रहा है, दुआ होगी जब तक आप फजर का वक्त हो जाएगा, तो सबसे पहले जाके आप फजर पढ़िए। अगर आपने फजर नहीं पढ़ी मेरे बच्चों सुनो, फजर नहीं पढ़े सो गए, फजर नहीं पढ़े सो गए, ये पूरी रात का जगना बेकार, ये तुम्हारा बैठना बेकार है, जगना बेकार हो गया पूरी रात। तुमने फजर पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरे आने को बैठने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। यहां अजान हो जाए तो यहां नमाज पढ़ लेना, मस्जिद में नमाज पढ़ लेना, या अपने मोहल्ले में जाके गांव में जाके नमाज पढ़ लेना। नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है? कोई छोड़ने वाला अमल नहीं है। एक आदमी की गाय जो है ना, गाय मस्जिद में घुस गई। वो जो इमाम साहब रहे ना मस्जिद के, उसका नाम था लठ मौलवी साहब, लट्ठी रखते थे। तो देखे कि गाय घुस गई है मस्जिद में, तो लिए लट्ठी, 5-6 डंठा मारे लठ गाय को, गाय भागी। जब तक गाय वाला आ गया, गर्म हो गया, कहना तो मां लौ मर गएगा। बोला अरे नालायक कहीं का मस्जिद में घुसेगी गाय तुम्हारे के नहीं? बोला हजरत वो जानवर ना था, वो नहीं जानता कि ये मस्जिद है, हमको कभी देखे मस्जिद में? बोलो अच्छा अच्छा बात सही ठीक है, हमारा कभी देख लो ये मस्जिद में। मस्जिदों को आबाद करो मेरे बच्चों, मस्जिदों को जो आबाद करता है अल्लाह उसकी ज़िंदगी को आबाद कर देगा, जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद कर देगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके ख़ानदान को आबाद कर देगा। नमाज पढ़कर देखो क्या मिलता है, नमाज पढ़कर तो देखो क्या मिलता है। एक आदमी का मस्जिद के बगल में घर था, और भैंस पालता था, भैंस चराता था, 10-12-15 भैंस थी उसके पास में, वो भैंस लेके खेत पे जाना, भैंस चरा के आना। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ लिया, बोला ए बाबू अरे मौत से डर है कि नहीं, मरवे कि नहीं रे? बोला हाँ हजरत मौत जब आते तो मरवे लग मरे लगते।
बोले थे भैंस के पीछे में कहा पड़ा हुआ, घर के बगल में मस्जिद है, नमाज तो पढ़, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। बोला हजरत अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा क्या, कैसे बढ़ाएगा? बोला जो तुम भैंस पालते हो ना, अल्लाह दूध में बरकत अता फरमा देगा, ढेरी दूध। बोला हजरत आज तक हमको मालूम नहीं था ये बात, ठीक है कल से हम पढ़ेंगे। अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गया, फजर में नमाज पढ़ा बेचारा, और नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया थे एक भैंस मर गई। बोला वहां देखो अब ये फजर पढ़ रहे, एक भैंस मरी गई। भागा भागा मस्जिद गया, बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला अभी फजर पढ़े ये भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं घबराए नहीं। बोले जो घर जो घर आ गया, जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद जा रहा था, सोच रहा था कहीं दूसरी भी ना चली जाए। आज जोहर की नमाज पढ़ के इत्तफाकन कही जैसे ही घर आया दूसरी भैंस मर गई, सर पकड़ के बैठ गया। बोला समझ गए हम, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी। अब भैंस का बच्चा ना बंधा हुआ था, मां मर गई, रो रहा था, चिल्ला रहा था, ये उन बच्चों की तरफ देखकर बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, ये फर्ज पड़े, तुम्हारी मां मर गई और तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 रकात नफल पढ़ेंगे ना, तुम्हारा चिल्लाना बंद हो जाएगा, तुम भी चले जाओगे। मेरे बच्चों नौजवानों नमाजों की पाबंदी करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है, आइंदा से गफलत में वक्त गुजरा है, नमाज नहीं पढ़ते थे, भूल भी अल्लाह के बारगाह में तौबा करना है, इंशाल्लाह आइंदा ऐसी भूल नहीं होगी। एक वादा करो कि इंशाल्लाह आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। मेरा कितना बच्चा नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह पक्का वादा करना, इंशाल्लाह पक्का वादा करना मेरे बच्चों। नमाज पढ़ कर देखो नमाज में क्या मिलता है, नमाज पढ़ कर देखो। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो अमर नमाज आछे, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो अमर नमाज आछे। आपने वादा किया है अल्हम्दुलिल्लाह, हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी ऐसा वैसा नमाजी नहीं, एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़नी थी, टिकट था नहीं, सोचा काउंटर में लेकर टिकट ट्रेन में चढ़ जाएंगे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा तो देखा काउंटर में बहुत भीड़ है, टिकट लेते हैं तो ट्रेनें छूट जाएंगी। आदमी बड़ा चालाक था, टिकट नहीं लिया, बोला टिकट नहीं लेंगे ट्रेन में चढ़ जाते हैं, टीटी आएगा ना कुछ घूस घास दे करके निकल जाए। ट्रेन खुल गई, भाई टिकट लिया? अरे बोली टिकट लिया। वो ट्रेन खुल गई, कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा, बोला चाहो, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा नहीं है, बहाना अल्लाह। टीटी आके बगल में खड़ा हो गई कि जैसे ही सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। ये टीटी को कनखी से देख लिया कि टीटी बगलों में खड़ा जगह, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। यानी टीटी को ये बोलने का मौका ही नहीं देता था। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला हमको समझ में आ गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, पढ़ो कितनी नमाज पढ़ते हो तुम, जब तक हम टिकट लेंगे नहीं हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का आदमी था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है, बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी गलो जी, बोले बाबू टिकट नहीं लो, तू नमाज पढ़ते रहो। मेरे बच्चों पक्का सच्चा नमाजी बनो, मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो, मेरे बच्चों नमाज पढ़ो अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, नमाज पढ़ो अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, नमाज पढ़ो अल्लाह तेरी रिस्क में बरकत अता फरमा देगा, नमाज पढ़ो अल्लाह तेरी तिजारत में बरकत दे देगा, नमाज पढ़ो अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, नमाज पढ़ो अल्लाह तेरी औलादों को फरमा बरदार बना देगा, नमाज पढ़ो अल्लाह घर के अंदर में सुकून और चैन पैदा फरमा देगा, नमाज पढ़ो अल्लाह मुसीबतों से तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इंशाल्लाह पढ़ेंगे नमाज, हाथ उठो। बस अपनी बातों पे आता हूँ, ये मस्जिद का जलसा, मस्जिद अल्लाह का घर है, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हम दुआ करेंगे कबूलियत की घड़ी, हाथ उठा दो इंशाल्लाह, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है,
इसके रावी कौन? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने। कौन उस्मान? जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। कौन उस्मान? वो उस्मान जो दामाद मुस्तफ़ा हैं। कौन उस्मान? वो उस्मान जिसके निकाह में अल्लाह के रसूल ने ये के बाद दिगरे दो दो बेटियों को निकाह में दिया है। कौन उस्मान? जिसको जन्नत की बशारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा अता फरमाया है। वो हज़रत उस्मान गनी रावी है। फरमाते हैं कि मन बना लिल्लाहे मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत आलीशान महल बनाए। अल्लाह जन्नत में क्या बनाएगा भाई? बोलो भाई, अल्लाह क्या बनाएगा? जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए क्या बनाएगा भाई? बोलो भाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत माली शान महल बनाएगा। तो मेरे भाइयों, ये ज़मीन यही रह जाएगी, ये दौलत यही रह जाएगी, ये कोठी यही रह जाएगी, ये बिल्डिंग यही रह जाएगी, ये सोना यही रह जाएगा, ये चांदी यही रह जाएगी। ओह, सब छोड़कर चले जाओगे, क्यों नहीं रहती ज़िंदगी? अरे वहाँ जन्नत में महल बना लो, आओ जन्नत में महल बना लो। अरे अल्लाह का वादा पक्का वादा है, इन्ना वादल्लाहे हक्कुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह ने कहा जो दुनिया में मेरा घर बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, हम जन्नत में उसके लिए आलीशान महल बनाएंगे, उसके लिए घर बनाएंगे। और अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। दुनिया में मस्जिद बना दो, इंशाअल्लाह अल्लाह हशर के मैदान में चाबी तेरे हाथों में दे देगा। मेरा बंदा, दुनिया में मेरा घर मस्जिद बनाया था, ये तेरा घर, ये तेरा महल मैंने तैयार कर रखा है, जा ये चाबी ले, उस घर के अंदर में दाखिल हो जाए।